हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके बाइपर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है और मेरे तरफ से सभी भाई को राम राम। जिंदगी मेरी चैन आई, हम बजे न रास्तों में जैसे हम चैन आई। और अभी मैं निकल पड़ा हूँ भाई ब्लॉगिंग के लिए, तो रात का टाइम हो रहा है, लगभग वही 8:30 हो रहा है और मूड किया तो सोचे कि भाई थोड़ा ब्लॉग बन जाना चाहिए, माहौल भी अच्छा है, गर्मी तो बहुत है भाई। तो फिलहाल गाइस आप लोग जो जो भाई को सपोर्ट नहीं कर रहे भाई, प्लीज़ भाई इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं कि ब्लॉग अच्छा बने और एक से कंटेंट भी ला रहे हैं, तो भाई प्लीज़ भाई भाई को सपोर्ट करो। जब तक आप लोग का प्यार सपोर्ट नहीं मिलेगा तो तब तक हम कैसे ब्लॉग बना पाएंगे बार बार। तो भाई इसलिए थोड़ा बोल रहे हैं कि थोड़ा दबा कर सपोर्ट करो, ये आप लोग का सपोर्ट ही तो हम लोग का प्यार है, आप लोग प्यार दोगे तभी एक से कंटेंट बनेगा। तो रिएक्शन तो बहुत भाई निकल रहा है, अभी देखो आगे चलते हैं, रिएक्शन ही रिएक्शन मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं बस स्टैंड के पास आ चुका हूँ और देखो अभी बस स्टैंड से सोच तो रहे हैं कि तो भाई ब्लॉग तो बहुत अच्छा बन रहा है, बस आप लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। लॉन्ग टूर का भी ब्लॉग बनेगा, निकलने वाले हैं अपने ठंडर से, तब तो भाई भाई सपोर्ट करो अपने भाई को। जो जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो जाकर। और यहाँ बस स्टैंड का पहले से बहुत अच्छा हालत हो गया, पहले हम लोग को कितना घुमा कर जाना पड़ता था क्योंकि इतना जाम रहता था भाई कि घुस नहीं सकते थे ये रोड पर, पर अब देखो कैसा, बहुत बहुत अच्छा आ रहा है। धूल चक्कर इतना है ना भाई, तभी ग्लास लगाना पड़ जाता है, क्या करें भाई। ग्लास जैसे ही लगाते हैं तो कुछ दिखता ही नहीं है क्योंकि ब्लैक शेडेड में ग्लास है ना मेरा, उसके कारण कोई दिखता नहीं है, गड्ढा गुड्ढी आदमी तक नहीं दिखता है भाई, डेंजर। वाइट करवा लेंगे ग्लास क्योंकि नाइट में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है भाई। सोचे कुछ आप लोग के लिए ब्लॉग बना लें, रात तो हो गया है, कोई नहीं, रात तो अपना है भाई, 8:30 बज गया और कुछ मम्मी बोली भी थी खाने के लिए, ले लेंगे कुछ बाहर से खाना, कितना आदमी, क्योंकि जब से साबन आया तब से घर ही का खा रहे भाई। एक्शन वीडियो गलत टाइम पे, मतलब 5-6 बजे निकलते तो रिएक्शन वीडियो मिल जाता, 5-6 बजे तुम्हारा भाई सोया हुआ था, आया मार्केट से काम से, हाँ तुम्हारा भाई को नींद आ गया, सो गया, फिर काम भी शाम में, दानापुर भी जाना था, रात नहीं जा पाया, कल जाएंगे दानापुर। तो भाई ब्लॉग में बने रहना भाई, भाई को सपोर्ट करो, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय ओ कैलाश के बाबा। ये देखो भाई क्या पिकअप है भाई, हार देता है भाई, थोड़ा साउंड में दिक्कत हो रहा होगा माइक में, ऐसे तो बोया का माइक यूज करते हैं भाई, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मगर कभी कभी हो जाता है, क्या करें, तो भाई मैनेज कर लेना थोड़ा इशू रहे तो। तो अभी हम लोग पुल चढ़ने वाले हैं, यहाँ भाई गंदा चेकिंग रहता है, बहुत गंदा चेकिंग, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, अभी तो चेकिंग नहीं लगाया हुआ है। तो भाई तुम्हारा आराम से, तो फिलहाल भाई हम लोग ये कौन, हाँ इस्कॉन टेंपल वाला पुल है स्टेशन के पास,
थोड़ा राउंड मारना है तो अच्छे से राउंड ही मार लेते हैं, राउंड अप पे निकले हैं तो चलो। इधर से जाता है भाई, गेस करो कहाँ जाता है। यहाँ से हम लोग का, यहाँ से तो मीठापुर निकल जाएगा भाई, और यहाँ से निकलेगा इको पार्क के साइड। इको पार्क वाला रोड है, मतलब पुल है, उधर से इको पार्क ज्वाइंट हो जाता है आगे से हम लोग जाएंगे तो। माहौल तो अच्छा बना हुआ है, गाड़ी चलाने में भी मजा आ रहा है। देखो ये देखो कड़क, बहुत बड़ा मंडी है, सब्जी मंडी, खाने का आइटम। कौन है, कहां से आते हैं? तो यही गलती तो है भाई, जहाँ ये देखो क्या बोले भाई, कितना भी रूल बन जाए मगर ये चीज़ ठीक नहीं होने वाला, बहुत रिस्क है। मगर हम लोग क्या करें, हम लोग पहले ही ब्रेक मार देते हैं इसलिए कुछ नहीं होता है। मगर बहुत यंग जनरेशन को और यंग को देखे तो देखा जाए तो भाई सटा सटा कर मतलब गाड़ी के पास ही ब्रेक मारेगा, उससे क्या होता है भाई 90% रहता है चांस रुकने का गाड़ी। मगर हम लोग का तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि तो फिलहाल अभी हम लोग टर्न ले लेते हैं। बहुत गंदा टर्निंग है भाई है। अब हम लोग इको पार्क वाला साइड में आ जाएंगे। ये देखो यहाँ से लाइन कटता है, यहाँ से लाइन कटा ज्वाइंट हुआ, ये देखो चनकिया वाला, चनकिया के साइड से ज्वाइंट होता है और निकल जाता है। मौसम उतना खास नहीं है भाई, गर्मी तो बहुत है, गर्मी मत पूछो, बरसात वाला जो गर्मी होता है ना वही है, बहुत दिक्कत होता है। यहाँ से हम लोग इको पार्क वाला में ले लेंगे। यहाँ से बहुत पुराना है, रिएक्शन कोई नहीं मिलेगा क्योंकि जाहिर सी बात है रिएक्शन के लिए भाई 5-6 बजे आना पड़ेगा। कोई नहीं, जब जाएंगे जब डेली दानापुर जाते हैं ना उस टाइम का रिएक्शन वीडियो बनाते ही दानापुर जाएंगे, उस टाइम वो सही रहेगा। शाम का टाइम का रिएक्शन वीडियो बहुत अच्छा बनता है भाई। यहाँ कीर्तन हो रहा है भाई, भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, तुम लोग के लिए भाई एक से एक ब्लॉग बनाता है हमारा भाई। जब तक प्यार नहीं दोगे तब तक कैसे अंदर से जोश आएगा, हाउ द जोश, वही बात है। यहाँ पे हम लोग को लगभग इको पार्क साइड आ चुके हैं, मरी हम लोग को इको पार्क जाना नहीं है, इको पार्क ये साइड में जाता है। इको पार्क जाने से कोई एक टाइम था कि इको पार्क में अड्डा अपना रहता था भाई का तुम्हारा, एनी टाइम इको पार्क, हमेशा इको पार्क जाते थे, हमेशा सुबह शाम इको पार्क। एक भैया थे वो हमेशा वो ले जाते थे, उनका पैशन प्रो था, स्टार्टिंग का पैशन प्रो जब आया था तो उस टाइम आया था तो वही निकल जाते थे उनके साथ, जब भी हम ही को ले जाते थे, मज़ा भी आता था। उस टाइम गाड़ी भी हाथ मेरा साफ हो ही रहा था, 2011 का बात बता रहे हैं भाई तुम लोग को। तो फिर भैया फिर ले जाते थे तो फिर वहाँ से क्लास करते थे, टेंथ का ये उस घड़ी हम टेंथ में थे तो क्लास करते ही चले आते थे घर के तरफ। फिर पहले नहीं घर नहीं पहले जाते थे गांधी मैदान, वहाँ से हम लोग का टोली निकलता था। ये देखो भाई लाइटिंग, कितना अमेजिंग अमेजिंग लाइटिंग है,
नंबर अच्छा है सियाज का, 3 चौका, कोई छक्का भी मारने वाला मिल जाए। तो यहाँ से भाई जू के तरफ साइड आ चुके हैं और तुम्हारा भाई जू की तरफ लगभग पहुँचने वाला है, उसके बाद आगे से घुमा लेंगे भगवान जी का मंदिर। तो तुम्हारा भाई हमेशा गोल लगता ही है। तो फिलहाल भाई रिएक्शन तो एक से एक बन रहा है, रिएक्शन में कमी नहीं है। तुम्हारे भाई को हवा लेना था गाड़ी में, हवा कम लग रहा है, हवा दुकान मिल नहीं रहा, शायद आगे मिल जा। तो ये देखो भाई तुम सबके जू, अब बोलोगे भाई हर ब्लॉग में देखे हैं जू ही रात ही में क्यों, तो दिन में भाई क्या करेंगे आके, दिन में कोई सीन ही नहीं है। पहले एक टाइम था, जमाना था कि जू हमेशा आते थे, अब ऐसा कोई सीन ही नहीं है। दुख का खत्म नहीं होता बे, अब जुआ के क्या करेगा इंसान, जिसकी गर्लफ्रेंड रहे तब ना वो जुआ है। हम लोग भाई सिंगल मैन वन मैन आर्मी वाला लाइफ जी रहे हैं। ऊपर से पूल आ जाएगा और फिर वहाँ तो पूल जाने का नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं है, रिएक्शन कुछ मिलेगा नहीं। तो इससे अच्छा नीचे ही से चलते हैं। साउंड सुनना भाई इस गाड़ी का, कोबरा कोबरा लगा हुआ है अलग ही। अभी भी भाई तुम्हारा भाई ऐसा है कि गाड़ी को मेंटेनेंस की हुए तभी उसी हिसाब से, नहीं तो कब का बैंड बज जाता। तो यहाँ रेड सिग्नल है, अब हम लोग सिग्नल ही के अनुसार चलते हैं भाई, प्रॉब्लम हो जाता है। सब जगह कैमरा लगा हुआ है इतना कि ये देखो भाई लग गया पल्सर बस बुलेट। चलो मर भाई, तुम्हारा भाई रेस नहीं कर सकता, तब भी टान भी है मर, छोड़ो जाने दो, जो दोस्ती करेगा उसकी मॉम से नो रेस, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। भाई कैमरा देख के तो अलग ही ऊर्जा आ जाता है लोगों का, टानने के लिए टान देंगे भाई मगर कोई फायदा नहीं, ये सब बचपना। रेस के लिए एक्टिव हो गया था मैं, तुम्हारा भाई नहीं, रेस करके कहाँ जाना है भाई सबको। बस मैं यही मैसेज दूंगा कि भाई कोई इंतज़ार कर रहा है घर पे, उसको देखकर ये सब चीज़ मत ही करो तो सही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जीत कर यहाँ जीत जाओगे वहाँ फिर क्या होगा, तो इसलिए थोड़ा अपने पे कंट्रोल रखो, जोश में नहीं होश में काम। इतना मैच्योरिटी तो आ गया भाई एज के साथ, उम्र के साथ ये सब चीज़ अब नहीं, पहले कर लेते थे, अब ये सब चीज़ नहीं होता है। अगला को देखकर बहुत धूल है भाई, अब आराम से तुम्हारा भाई निकल जाता है। जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। और रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस पील देना है, जान रहा है कि सटा हुआ मेरा गाड़ी है, थोड़ा पिकअप है मगर क्या करेगा, चलो कोई नहीं। तो ये है पिलर नंबर 50 49 50 48। हाँ तो ये साइड
ये पारस हॉस्पिटल का है, पहले आते थे, अब ज़्यादा इधर मौका नहीं मिलता है। बस तुम लोग के लिए भाई ब्लॉग बनाने के लिए निकल गया है कि ब्लॉग बन जाए और बस, और क्या, तुम लोग का प्यार मिलते रहे बस यही चाहता हूँ। रिएक्शन तो रिएक्शन बहुत जगह मिलेगा, रिएक्शन देखो विदाउट हेलमेट पापा की पड़ेगी। अब देखिए ये जोधपुर का नंबर है, जोधपुर का फॉल चूनर 2799 नंबर, सब यूनिक यूनिक लेता है भाई, अपने नसीब में जब आएगा तब सोचा जाएगा, नंबर भी सोचे हुए हैं अलग लेंगे। और अभी कुछ माइंड में ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ मंदिर आ चुका है, बहुत फेमस मंदिर है राजा बाजार का, तो यहाँ माहौल थोड़ा लग रहा है। हाँ है माता दशहरा में भाई, यहाँ तो हिल नहीं पाओगे, बोल रहा हूँ ना, इतना क्राउड रहता है भाई, निकलने का तुम्हारा गाड़ी एक तो इतना बुलेट तो आप लोग को पता ही होगा इतना हीट करता है, हीट इतना करता है कि दिक्कत इतना होता है। अपना भाई का चैनल है एसके भाई पर ब्लॉग्स, उसको सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, दबा कर और ऐसे ही प्यार देते रहो कि हम अंदर से हौसला आते रहे भाई। तो बस यही बोलूँगा, ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, कल नए ब्लॉग में मिलता हूँ एनर्जी के साथ, नए एनर्जी के साथ। स्टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट, और राम राम भाई सभी को मेरे तरफ से, गुड नाइट।